हाल की ना आपका इंतजार कर। घबराइए मत अग्निहोत्री साहब, मालकिन आपका इंतजार कर रही है। माफ कीजिएगा, मैं स्पर्धा दे रहा हूँ। आप है ये इतनी खूबसूरत कि मैं जी शुक्रिया, बैठिए। एक बात पूछ सकता हूँ मिस भट्टा का? जी कहिए। अगर आप बुरा ना माने तो कह दीजिए। मिस भट्टा, अगर आप हमेशा यूं ही रहा कीजिए बस। दरअसल ऐसे रहने के मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन तारीफ के लिए शुक्रिया। यूं तो मिस भटनागर, मैं सीरियसली आपके जिंदगी के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात से हैरान हूँ। आप जैसी इतनी बेहद खूबसूरत औरत इस बंगले में अकेली कैसे रहती हैं? हाँ, ये तो मुझे तन्हा अकेले छोड़ देने वाले लोगों की मेहरबानी है। खैर छोड़िए, पुरानी यादें और भी जानलेवा होती हैं। चलिए आज की शाम को रंगीन बनाते हैं, आइए आइए। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। अरे मिस आशा भटनागर जी, अब ये खाना वाना छोड़िए और जल्दी से आप एग्रीमेंट ले आइए ताकि मैं साइन कर सकूँ।
इतनी भी क्या जल्दी? एग्रीमेंट तो बिल्कुल तैयार है, बस एक सिग्नेचर करनी है, फिर ये बंगलो आपका। वैसे अग्निहोत्री जी, मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। जी पूछिए। अग्निहोत्री जी, इस शहर में बंगलों की कोई कमी नहीं है और बेहतरीन बंगलो है, और वो भी इस बंगलों की आधी कीमत में, फिर भी आपने ये बंगला क्यों खरीदा? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है मिस आशा भटनागर। और वो सीधा जवाब क्या है? सीधा जवाब है मेरी पसंद। मैंने बहुत सारे बंगलों की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस बंगले पे यानी कि वैकुंठ धाम पर, मेरी आंखें जमकर रह गई और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे यही बंगला खरीदना है। लेकिन इसकी कीमत जानकर भी आपने अपना फैसला क्यों नहीं बदला? मिस आशा भटनागर, मेरी एक बहुत बुरी आदत है जिससे आप वाकिफ नहीं हैं। मुझे जिंदगी में कोई भी चीज पसंद आ जाती है तो उसे मैं हर हाल में हासिल करके रहता हूं, और चाहत कीमत नहीं देखती है। क्या बात है, वैसे आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, सच में दाद देनी पड़ेगी आपकी अग्निहोत्री साहब। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। इस शहर में और कई बंगलो हैं जो इसके आधे दाम में हैं, तो फिर भी मैं 2 रुपए की चीज 10 रुपए में क्यों बेच रही हूँ? औरों की तरह आपने ये नहीं सोचा कि वैकुंठ धाम की मालकिन पागल हो गई है? मिस आशा भटनागर, अब इसका जवाब देना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है, और अगर आपको दिलचस्पी ना हो तभी भी सुनना पड़ेगा। चाहे इसे इस बंगले की सौदे की शर्त ही समझ लीजिए। बड़े शौक से सुनूंगा मिस आशा भटनागर, अब तो सौदा हो ही चुका है और आपको भी सच बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सच बहुत कड़वा होता है, और ये सच बताने के लिए मैं कितने दिनों से बहुत तड़प रही थी, और आज वो सच सुनने के लिए ही सही शख्स मेरे सामने है। सच बताऊं तो ये बंगला मुझे मेरे पति से मुंह दिखाई में मिला था। आपके पति? जी हाँ, लेकिन मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, आई एम सॉरी। मेरे पति को घोड़ों से बहुत प्यार था, हमारे रेस के घोड़े दौड़ा करते थे। अच्छा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिसका ताल्लुक किसी घोड़े के शौकीन से हो। आपने अभी तक पूरा वैकुंठ धाम देखा ही नहीं है अग्निहोत्री साहब। इस बंगले के पीछे बहुत ही बड़ा घोड़ों का अस्तबल है, और उसके सामने एक बहुत बड़ा अच्छा खासा मैदान। जिस जमाने में हमारे रेस के घोड़े दौड़ा करते थे, उस वक्त जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज थी, रुपयों की कोई कमी नहीं थी, हमारे घर में बहुत सारी खुशियां थी, इस घर में जिंदगी खुशियों के झूले में झूल रही थी। हमारा छोटा सा परिवार, मैं, मेरा पति, मेरा बेटा सुनील। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा सुनील। बड़े नाजुक से पाला था मैंने उसे, लेकिन उसने भी अपनी जिंदगी को अपने पिता की तरह रेस की तरफ मोड़ दिया था। रेस, रेस, रेस। एक दिन उसने सारा पैसा एक बहुत बड़े रेस में लगाया, और वो रेस हार गया। हमारी जिंदगी की रफ्तार न जाने कहां रुक गई। उसके बाद मेरे पास कुछ रहा तो
वैकुंठधाम। मेरी बेटी की फिजूल खर्चे आप मेरे मजबूरी को नहीं देख सकी, और धीरे धीरे मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। मैंने उसे बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक दिन मुझे और इस घर को छोड़कर चला गया। उसके जाने से मैं रोती रही, तड़पती रही। जैसा भी था, मेरा बेटा ही था। लेकिन एक रात अचानक से मेरा बेटा घर पे आया। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। बहुत दिनों के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने मुझे कहा कि इसमें 5 करोड़ रुपए हैं माँ। मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद घर आया था। मैंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और वो अपने कमरे में सो गया। फिर आधी रात को अचानक से गोलियों की आवाज आई और मैं दौड़ के सुनील के कमरे तक आई। मेरा बेटा खून में लथपथ पड़ा हुआ था, और देखते ही देखते उसने मेरी गोद में अपनी जान दे दी। ना तो मैं उस कातिल को देख पाई, ना तो मुझे कुछ पता चला। मैं जानती थी कि मेरे बेटे की जान कहीं ना कहीं उन रुपयों की वजह से गई है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब मैंने उस कातिल को विंडो से भागते हुए देखा था, उसके हाथ में कोई बैग नहीं था। और तभी मैंने फैसला लिया कि वो कातिल उस बैग को लेने के लिए इस घर में जरूर आएगा। और उस वक्त मैंने सोचा कि मैं इस घर की कीमत 2 करोड़ लगाऊंगी, क्योंकि ये घर वही इंसान खरीदेगा जिसे 5 करोड़ का लालच है। आखिरकार वो कातिल खरीदार के रूप में मेरे सामने आ ही गया। तू ही है वो अग्निहोत्री, तू ही है मेरे बेटे का कातिल, तूने मेरी बेटी की जान ली है। अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। हाँ, मैं नहीं मारा तेरे बेटे को, मैं नहीं खून किया उसका। विश्वासघात किया था उसने मेरे साथ। बैंक डकैती की थी अपने जान जोखिम में डालकर। एक साथी मारा गया था हमारा, एक साथी। हाँ, तेरा बेटा ही सारे के सारे पैसे लेकर यहां पर आ गया था, और मैं भी उसका पीछा करते करते यहां पर आ गया और मार दिया तेरे बेटे को। Oh.
अकेला सारा पैसे लेकर यहाँ आ गया? बता कहाँ है 5 करोड़? हमने जान जोखिम में डालकर बैंक से सारा पैसा लाया, और तुम क्या चाहते हो कि मैं सारा पैसा तुमको दे दूँ? कभी नहीं। सारी प्लानिंग मेरी है, तू कौन होता है सारा पैसा लेने वाला? अब तो तुझे 5 करोड़ में से 1 पैसा नहीं मिलेगा। बेटे के कातिल को पहचान गई है, और मुझे भी तुझे अब वहीं पहुंचाना पड़ेगा जहां तेरे बेटे को पहुंचाया। कैसे मारती है मुझे? सामने आ। Die!
बहुत खेल खेल लिया तूने। हिम्मत है तो मार मुझे। अरे छुप छुप कर क्यों मारती मुझे? अरे मार मार। मौत सिर्फ एक बार आती है अग्निहोत्री। मरे हुए को दोबारा नहीं मार सकते तुम। मैं अपने बेटे के मौत के गम में तभी मर चुकी थी। अब बस मेरी आत्मा भटक रही है उसके मौत का बदला लेने के लिए, और आज मेरे आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये नहीं हो सकता। तू आत्मा है। तू यहां भटकती रहेगी और मैं 5 करोड़ रुपए लेके चला जाऊंगा, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी मेरा, क्योंकि तू तो एक आत्मा है। सहमी आँखों
गहरी तन्हाइयों में खोया सा रहस्य